तो अब हम लोग कैब में बैठ गए हैं और घर से हम लोग चल दिए हैं। हम लोग जा रहे हैं नंदनवन, जो GK1 और एंड्रयूजगंज के बीच में है। और एमी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, क्योंकि समर हॉलीडेज़ हो चुकी हैं और काफ़ी दिनों से वो घर में बोर हो रही थी कि बस कि कहीं नहीं जा रहे हम लोग, मैं स्कूल कब जाऊँगी। तो आज दिल्ली का वेदर बहुत ही ऑसम हो गया था मॉर्निंग से ही, तो हमने सोचा क्यों ना एमी को लेके चलते हैं, वो भी खुश और हम भी खुश। तो बस अब हम लोग अपने मंजिल में पहुँचने वाले हैं। और सबसे खुशी की बात ये थी कि जब एमी ने देखा कि हम लोग यहाँ आ रहे हैं, शी इज़ सो एक्साइटेड कि वाओ हम लोग यहाँ आ रहे हैं, थैंक यू मम्मा, थैंक यू नानी। और उसका फेस देख के मैं भी बहुत खुश हो गई कि वाओ चलो उसको हमारा सरप्राइज पसंद आ गया। तो अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं अंदर और वेदर इज़ सो ब्यूटिफुल। और वहाँ एमी को देखिए वो गायब, बस वो सिर्फ इतनी एक्साइटेड थी कि बस वो हर जगह भागती जा रही है कि मतलब इतनी एक्साइटेड हो गई कि वो कौन से झूले में झूलूँ, कौन सा कहाँ जाऊँ। और ये देखिए इन मिस्टर श्रेक को ही। और यहाँ पे देखिए ग्रीनरी देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। आज वेदर सच में बहुत अच्छा था, इसलिए आज हम लोग सब फैमिली लोग यहाँ पे आए हैं। आउटिंग था वाव, पिकनिक डे आउट सारा हमारा सब हो गया आज सिर्फ एमी की वजह से। तो एमी इतनी कंफ्यूज हो रही है कि मैं कौन सी राइड में जाऊं पहले, और बस इधर से उधर बस सोच ही रही है कि मैं कौन से राइड में जाऊं। नाउ फाइनली शी डिसाइडेड कि मैं इस वाले में जाऊंगी, इसको क्या कहते हैं सर्कल सा पता नहीं क्या है जो भी है, इसमें जाके मैडम जी बहुत ज़्यादा खुश होगी कि ये नाउ फाइनली शी इज़ वेरी हैप्पी एंड इन्जॉइंग हर राइड्स। और अपने साथ साथ अब नानी को बुलाने आई थी कि नानी मेरे साथ चलो और मुझे वॉच करो कि मैं विदाउट एनी हेल्प मैं अपने आप अपनी राइड्स को इन्जॉय कर रही हूँ। और नानी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई है एमी के साथ, तो वो उनकी राइड देखने आई है। और ये देखिए वो नानी को दिखा रही है और नानी भी बहुत ज़्यादा उसको इन्जॉय कर रही है। ये गई अंदर, ये देखिए नानी कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है। और वो इस राइड को कंप्लीट करने के बाद नानी ने उसको एक चॉकलेट भी ऑफ़र कर दी है कि आपको एक चॉकलेट मिलने वाली है। और आज तो एमी का फुल डे सिर्फ मस्ती से भरा हुआ था और उसने आज सिर्फ बहुत बहुत इन्जॉय करा अपना डे। और सबसे ज़्यादा तो नानी भी बहुत हैप्पी थी कि उसको देख कर, ये देखिए कितनी खुश हो रही है कि फाइनली मैं शैतानी करने में कामयाब हो गई हूँ। और यहाँ पर नानी और एमी दोनों में ना एक और प्लानिंग हो रही थी कि इसके बाद हम एक और दूसरे न्यू पार्क चलेंगे, बट मैंने बोला नो वे, आज हम लोग इसके अलावा कोई भी पार्क नहीं जाएंगे, इसके बाद हम लोग डायरेक्ट हम लोग लंच करने जाएंगे, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे मॉर्निंग से आए हुए थे और मैडम एमी की तो राइड्स ख़त्म ही नहीं हो रही थी। और ये जो इंस्ट्रूमेंट था ना बहुत ही ब्यूटीफुल था। और ये देखो नानी को भी देखो यहाँ पे एमी के साथ ही, वो भी मस्ती करने में लगी पड़ी हुई है। और आज हम लोगों का जो डे था फैमिली आउटिंग बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इन्जॉय करा। और ये देखो इस इंस्ट्रूमेंट को तो मैंने भी बजाया और बहुत ही अच्छा था, मुझे भी बहुत मज़ा आया इसको।
स्केटिंग नहीं है, स्केटिंग तो प्लेन होता है। नाउ फाइनली मेरी ये छोटू मोटू सी आव्या भी अपनी वॉकिंग को इन्जॉय कर रही है और हम लोगों की हेल्प बिल्कुल नहीं लेती है, अपने आप खड़ी होती है और अपने आप ये वॉक करने लग जाती है और उसको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे पार्क में हम लोगों के साथ। तो होप आप लोगों को मेरा ये फैमिली आउटिंग व्लॉग पसंद आया होगा और मुझे ज़रूर कमेंट करके भी बताइएगा कि क्या आप और भी व्लॉग मेरे देखना पसंद करेंगे। और आई नो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो के बाद मुझे पता है आप लोग लाइक भी करेंगे एंड शेयर भी करेंगे। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मुझे पता है आप लोग सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय।